हर रात एक सुबह। वैसे तो हर तरफ चारों ओर जहां पर भी देखें तो केवल एक ही समाचार न्यूज सुनाई देता है, कोरोना। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या इस कोरोना रूपी काली रात की कोई सुबह भी है। चारों ओर एक निराशा का माहौल बढ़ते जा रहा है। जितना ज्यादा जितने केसेस बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा निराशा का माहौल बन गया है। कई बार ऐसे भी लगता है कि क्या कभी इस समस्या से ऊपर भी हम जा पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर रात की एक सुबह, इस रात की भी एक सुबह, लेकिन सुबह लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें उन उम्मीदों का दामन थाम के रखना पड़ेगा जिन उम्मीदों के सहारे हम अपने जीवन में सवेरा ले सकते हैं। केवल सूरज के चमकने से ही सवेरा नहीं होता, सवेरा विचारों को बदलने से। इस निराशा के माहौल में उम्मीदों का दामन कैसे थाम के रखें, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि उम्मीदों का दामन थाम के रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम जो भी कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं उसे हम पूरा करें, आधे में ना छोड़ें। इस माहौल में अगर हमें लगता है कि हम अगर पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई को छोड़ देंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं अगर हम उसको आधे में रोक दें, केवल निराशा के भाव में आ जाएंगे। वो चीजें आपको ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि हाँ वास्तव में हम कहां जा रहे हैं। हम जिस रूप में किसी काम को कर सकते हैं, अगर हम चल सकते हैं तो चले, हम दौड़ सकते हैं तो दौड़े, नहीं कर सकते तो हम रहेंगे, लेकिन हम पूरा। मेरे जहन में एक विचार आता है कि किस तरीके से नकारात्मक माहौल से हम निकल करके एक नए सवेरे की ओर जा सकते हैं। एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही व्यक्तित्व के बारे में आपको बताता हूं। जूलियो इग्लेसिस, स्पेन के मैड्रिड शहर जूलियो इग्लेसिस का जन्म हुआ 1943। 10 वर्ष की उम्र में उसने सोचा कि वो रियल मैड्रिड की तरफ से फुटबॉल का प्लेयर बने, और ऐसा हुआ भी। उसके अपने प्रयासों से वो फुटबॉल का प्लेयर भी बना, गोलकीपर बना, और ऐसा कहा जाने लगा कि वो विश्व का नंबर एक गोलकीपर होगा। लेकिन एक सड़क हादसे, एक दुर्घटना में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जिस पैर से वो एक फुटबॉलर बन सकता था। एक फुटबॉलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका पैर है, वो पैर उसने खो दिया, यानी उसने वो उम्मीद खो दी थी कि वो कभी अब फेमस हो पाए। निराशा में माहौल जा रहा था, निराशा में उसका समय। ऐसी परिस्थितियों में उसने अपनी निराशा को दूर करने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं म्यूजिक करूं। उसने गिटार बजाना जो है शुरू किया। जब गिटार बजता था तो उसके निराशा, उसके दिमाग से निराशा का भाव जो है वो दूर हो गया। देखते देखते उसने गिटार बजने के साथ साथ गाना भी शुरू किया। पैर से वो चल नहीं सकता था, लेकिन वो किसी सहारे से गाना तो जरूर गा सकता था। उसने ऐसी ही एक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और फर्स्ट प्राइज पाया। वहां से उसको एक मोटिवेशन मिला कि मैं गाने के माध्यम से, जो मैं फुटबॉल के माध्यम से करना चाहता था, मैं वो गाने के माध्यम से कर सकता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने गाने को ही अपना प्रोफेशन बनाया। गाना गाते हुए 1983 में मल्टीपल लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम किया। विश्व के 10 सबसे बड़े सिंगर में उसका नाम शुमार। इसको बताने का उद्देश्य यह था कि जब उसके जीवन में पूर्ण निराशा थी, नकारात्मकता थी, अंधेरा छा गया था, उसे कुछ दिख नहीं रहा,
तो उसने उसमें एक आशा की किरण, अपने अंदर एक सकारात्मक विचार लाया और जो उसे अच्छा लगा उसने किया। वर्तमान समय भी इसी तरीके से चारों ओर निराशा का माहौल, नेगेटिविटी है। हम जीवन में कुछ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम हर चीज कर सकते हैं। निराशा के भाव से आशा के भाव में आने की जरूरत है। जो खराब है उसको सोचने के बजाय जो बेहतर किया जा सकता है उसको सोचा जाए। याद रखें दोस्तों कि नसीब यूं ही नहीं जागता, नसीब जगाने के लिए रातें जागनी पड़ती हैं। और अंत में यही मैं आपको बोलूंगा कि हर रात की एक सुबह होती है, इस रात की भी एक सुबह होगी। बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना देखभाल करें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। दुनिया आपके कदमों में है।